हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीषाज किचन। सबसे पहले ये देखिए कितना ये क्रिस्पी डोसा बना है। सिर्फ 5 मिनट में बन के रेडी हुआ है। ये सिर्फ बेसन से बना है और बहुत ही क्रिस्पी बना है और इतना टेस्टी कि आप और भी डोसा खाना भूल जाएंगे। बेसन का डोसा बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप बेसन को हम छान लेंगे। बेसन छानने से जो डोसा का बैटर बनेगा एकदम स्मूथ बनेगा। बेसन छानने के बाद डोसा में थोड़ा कलर लाने के लिए इसमें 1/2 छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक विक्स से सारे चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल तैयार करेंगे। एकदम से पानी आपको नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो इसकी क्वांटिटी आपको पता चल जाएगी। मुझे ये थोड़ा थिक लग रहा है, थोड़ा सा और मैं पानी डालूंगी। डोसा के बैटर ना ही ज़्यादा पतला रखना है ना ही ज़्यादा गाढ़ा। विक्स से इसे मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक लगातार आपको इसे फेंटना है। इससे क्या होगा कि डोसा एकदम क्रिस्पी बनेगा। 2 से 3 मिनट इसे फेंटने के बाद साइड में रखेंगे, गैस पे रखेंगे डोसा तवा। तवा को हल्का गर्म कर लेंगे। गैस को लो करके 1 करछल बैटर इसमें डालना है और डोसा की तरह चारों तरफ ऐसे फैलाएंगे। जितना आप पतला बना सकते हैं उतना ये पतला चारों तरफ ऐसे फैला देंगे तवा पे। फैलाने के बाद थोड़े देर इसको हम छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम करके। थोड़े देर के बाद इस पे हम डालेंगे बटर। आप चाहे तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं। चारों तरफ लगा देंगे, थोड़ा सा बटर सेंटर में डाल देंगे। फिर इसके बाद हम डालेंगे मसाले। ये मसाले मैंने घर पे बनाया है। 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच नमक और चाट मसाले डाल के मिक्स कर लेंगे। मसाला रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा इसके ऊपर प्याज और हरी मिर्ची और थोड़ा सा टमाटर डालेंगे। इसके बाद हम ग्रेटेड पनीर डालेंगे। चारों तरफ ऐसे फैला देंगे। फिर हम डालेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ता। सारी चीज़ें डालने के बाद 1 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देंगे। 1 मिनट बाद आप चम्मच की सहायता से निकालेंगे इसे तवा से और एक साइड से लेके दूसरे साइड फोल्ड कर देंगे। ये देखिए हमारी क्रिस्पी डोसा बनके रेडी हो गई है। आप इसे हरी चटनी और रेड चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको ये रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।